हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ट्राई कर रही हूँ स्लर्प फार्म ब्रांड के मिलेट नूडल्स और उसी की रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये नूडल्स क्योंकि बाजरे के आटे से बने हुए हैं तो ये 100% हेल्दी हैं। बच्चे अक्सर नूडल्स काफ़ी पसंद करते हैं। जब भी उनका कुछ खाने का मन होता है तो वो बोलते हैं, मम्मी हमारे लिए नूडल्स बना दो। और बार बार मैदा या सूजी के नूडल्स खाने से उनका पेट ख़राब हो जाता है। उसकी वजह से हम मदर्स को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी को देखते हुए स्लर्प फार्म ब्रांड ने ये मिलेट नूडल्स निकाले हैं जिसकी रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ। इसके साथ जो टेस्ट में करे वो भी 100% नेचुरल है फ्रेंड्स, और आपके बच्चों के लिए काफ़ी हेल्दी है। तो यहाँ मैंने एक भगोनी में पानी गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है। उसमें एक चम्मच नमक डालकर मैं उसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और उसके बाद जब पानी में अच्छा सा बॉयल आ जाएगा तो मैं नूडल्स का पूरा पैकेट उसके अंदर डाल दूंगी और इसको हम सिर्फ 2 मिनट के लिए उबाल लेंगे। उसमें मैंने डाला है 1 चम्मच भर के तेल। आप कोई सा भी रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं। और जब नूडल्स अच्छे से उबल जाएंगे 2 मिनट के अंदर तो हम इन नूडल्स को एक साइड रख देंगे। अक्सर मैदा और सूजी के बने हुए नूडल्स हमारे पेट को काफ़ी नुकसान करते हैं, तो लोग जिन्हें पसंद है वो भी नूडल्स नहीं खा पाते। जैसे कि मैं खुद मैदा से बने हुए नूडल्स नहीं खा पाती, जबकि मुझे नूडल्स काफ़ी पसंद है। बॉईल हो गए हैं हमारे नूडल्स, हम इसको ठंडा पानी डालकर अलग रख देंगे। फ्राई पैन में मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला है और जब तेल गर्म हो गया है तो उसके अंदर फिर मैंने कटे हुए प्याज डाल दिए हैं और प्याज को हम थोड़ा सा सोटे कर लेंगे। और उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे वेजेस, जो भी आपको पसंद है आप डाल सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर पत्ता गोभी थी और शिमला मिर्च मैंने डाली है, थोड़ी सी ग्रीन चिली भी डाल दी थी मैंने। आपके पास जो भी वेजेस अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। सारी वेजेस को हम 1-2 मिनट के लिए सोटे कर लेंगे और उसके बाद अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा नमक। नमक डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और अब बारी आती है इसमें डालने की टेस्ट मेकर का पैकेट। तो मैंने पूरे नूडल्स बॉईल किए हैं इसीलिए मैंने पूरा पैकेट डाल दिया है टेस्ट मेकर का। अगर आप हाफ पैकेट नूडल्स यूज़ करते हैं तो हाफ पैकेट ही टेस्ट मेकर भी डालें। टेस्ट मेकर डालते ही इतनी प्यारी खुशबू आई थी फ्रेंड्स कि मेरे तो मुँह में ही पानी आ गया। मैंने सारे उबले हुए नूडल्स भी इसके अंदर डाल दिए हैं। और फ्रेंड्स, नूडल्स जब बनकर रेडी हुए तो मैं आपको बता सकती हूँ कि इतने टेस्टी बने थे। और मैंने इसके अंदर कोई भी किसी भी तरह का चिली सॉस, सोया सॉस या टमेटो सॉस यूज़ नहीं किया है, फिर भी ये काफ़ी टेस्टी नूडल्स बनकर रेडी हुए थे और मेरे बच्चों को भी ये नूडल्स काफ़ी पसंद आए। फ्रेंड्स, आप इन नूडल्स को एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसी ब्रांड के काफ़ी और भी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, प्लीज़ आप उन्हें परचेस करें। या इसका कूपन कोड और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें। और हमारे हेल्दी नूडल्स बनकर रेडी हैं, आप अपने बच्चों के लिए एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। बाय।